गुड मॉर्निंग मेरा बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सुबह सुबह से ही ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है सभी का। और आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए सुबह सुबह दवाई का डब्बा लेके बैठ गई हूँ और इसमें से टैबलेट लेऊँगी सुबह सुबह की 6 बजे की। सुबह 6 बज रहे अभी, तो बच्चे अंदर सो रहे हैं, रूम में सो रहे हैं अभी, और मैं जग गई हूँ और उन्होंने चाय बना के पी लिए और मैं तो उनके पेट की गोली लेती हूँ तो वो टैबलेट ले लेती हूँ, तो ये टैबलेट ले रही हूँ। तो जयपुर से आने के बाद में अब मैं दवाइयाँ शुरू कर रही हूँ सुबह सुबह, और नाश्ते के बाद लेती हूँ तो ऐसे पेट भर जाता है बिल्कुल दवाइयों से ही। दिन भर कुछ खाने का मन नहीं करता, क्या करें, शरीर के लिए तो लेनी पड़ेगी। और स्वस्थ रहना है थोड़ा तो आप पता ही है, मेरे पैर के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे। जो मेरे पहले ब्लॉग देखते हैं उनको सबको पता है, और जो न्यू फैमिली है उनको बता देती हूँ कि मेरा पैर रिम्यू हो चुका है तो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। अभी टैबलेट का टाइम हो गया है तो अभी ब्लॉग शुरू हो गया था, मैं शुरू से बनाती हूँ आज। तो आज मन कर रहा है ब्लॉग बनाने का। और आंटी जी भी आ गई, राम राम आंटी जी, राम राम जी, राम राम आंटी जी आ गई, जय श्री कृष्णा। तो आंटी जी भी आ गई, देखिए तो आंटी नाश्ता बनाएगी। 7 बज गए, हाँ 7 बज गए। और ठीक है अंकल, ये रद्दी बेच रही हूँ, ये रद्दी ये डब्बे खाली कर रहे हैं, जब से करी थी जब से तो नहीं लाई। ये देखिए खटके और ये लाइट, इसको देखो, इसलिए अखबार से साफ करना चाहिए इसको, तो कांच जल्दी अच्छे अच्छे साफ होते हैं। तो कांच तो कम दिख रहा है, मेरी गंजीता ज्यादा दिख रही है। और बाहर सड़क पे साधन जाते हुए इसको करा फिर आराम से अखबार से साफ करिए। हाँ ऑन मत रखना, बंद करो इसको खटके को, सीखो थोड़ा थोड़ा सीखना तो। देखो बिल्कुल साफ हो जाएगा ये। हाँ ऑमलेट, देखो सफाई कर रही हूँ तो आज सारी सफाइयाँ करने लग गई हूँ चारों तरफ। देखिए कितने सारे मेरे आगे रख रखे हैं, पीछे सामान ही सामान हो रहे हैं। जो वेस्ट सामान है उसको हटा दूंगी, बहुत दिन से देखी नहीं है मैंने इधर जगह को। और ये बिंदियाँ पता नहीं कोलगेट क्या क्या पड़ा है, तो सभी को साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ये गेट है जिसका लॉक ख़राब हो गया है तो ये लॉक लगवा रही हूँ। और इधर की साइड ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने कुछ बना रखा था पहले, तो बहुत पहले तो ये रखा था, इसको ये सेट करवा रही हूँ। तो ये मेरे को बता रहे हैं कि ये सही जगह है क्या, और बच्चों को बुलाती हूँ, मान रही हूँ पर मैं तीनों को दिखा रही हूँ। तो आज संडे का दिन था तो मैंने सारी सब सफाई कराई, तो टीवी को भी साफ करवा लिया है, ये कांच और ये सब चीज़ें। तो मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को सिखाने के हिसाब से उनसे साफ सफाई करवाती हूँ, और मैं बैठी रहती हूँ बताती रहती हूँ उनको, और उनकी मदद करती हूँ, और मैं खुद भी करती हूँ जो मेरे से काम होता है। पर आप जानते हैं कि बैठे बैठे ही कर सकती हूँ, चल फिर तो नहीं सकती। तो जामुन खा रहे हैं हम, आप भी खा लीजिए काले काले जामुन। और सुबह भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। और सुबह सुबह तो हमने सफाई की थी बहुत, वहाँ पे कलर पड़े थे बहुत दिन के, जो उनको देखा उनमें से जो अच्छे थे वो निकाले। और फिर अभी मशीन चला रखी है, मशीन से धो रहे हैं। और ये देखिए ये खा रही है, सत्तू पी रही है, वो किचन में लग रही है कुछ कर रही है,
तो आज का दिन तो बहुत अच्छा निकला हमारा। और आंटी ने बनाई है दाल बाटी, तो आज दाल बाटी बनाई हमने। कैसे लग रहे हैं? दाल बाटी बनाई आज हमने, तो दाल बाटी बताएगी गंसिका, नहीं बताइए? तो जामुन का टाइम आ गया, तो जामुन खाना सभी लोग। काले काले जामुन ये देखिए, ये जामुन है। ये बाटी बनाई थी और ये दाल बनाई थी, और यहीं ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।